हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर संध्या। और आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। और आज मेरे पति देव ले रहे हैं अपने लिए बाइक, जो कि उनकी बाइक 16 साल पुरानी हो चुकी थी, तो उनके दिमाग में आया कि चलो चेंज कर लेते हैं। और ये लिए हैं उन्होंने, इन्होंने ली है, कौन सी ली है, होंडा शाइन। हाँ, और हम लोग आ गए हनुमान सेतु पंडित जी से पूजा कराने अपनी बाइक की। तो ये हनुमान सेतु में हमारी बाइक की तीसरी पूजा है। एक मैंने, हम लोग की पहली कार थी, फिर दूसरी स्कूटी और ये बाइक। और बाइक जो पुरानी वाली थी वो हम लोग का जयपुर में था, तो वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो बच्चे बच्चे भी नहीं थे, तो शादी के 2-3 साल बाद हम लोग ले लिए थे। तो वहाँ पर और चेंज करने का समय आ गया, क्योंकि वो बहुत ख़राब होने लगा था। इनको बाइक से ही अपने ऑफिस जाना पसंद है, तो इसलिए ये बाइक को बदल दिए। और ये पंडित जी पूजा कर दिए हैं हनुमान सेतु में, तो वहाँ पूजा का बहुत ही अच्छा विधान है। जाइए, आप पर्ची कटवाइए, फिर पंडित जी आएंगे, पूजा करेंगे, फिर अपनी मर्ज़ी से जो भी आप उनको देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर पंडित जी पूजा करके फिर चाबी लेकर हम ले वहाँ हम गए और हनुमान जी के चरणों में छुआ कर हमको दे दिए। तो ये हमारा धनतेरस का शॉपिंग था। और उसके बाद हम घर पर आए हैं, तो घर पर अपने बाइक की पूजा किए। जब भी कुछ लेते हैं तो घर पे आने के बाद ज़रूर उसकी पूजा करते हैं। तो ये मैं घर पे आने के बाद घर पे बाइक को अपने विधि विधान से जैसे ही पूजा करते हैं, तो मैंने इस हिसाब से पूजा किया है। तो ये हमारे बाइक की पूजा मैं कर रही हूँ, देखिए। मैं धनतेरस की शॉपिंग करके आ गई हूँ घर पर। तो जो मिट्टी के दो पात्र लाते हैं, तो खाली घर के अंदर नहीं लेकर आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अनाज भर कर लाते हैं। तो फिर मैं भूल कर गलती से अंदर चली गई थी, फिर मैं वापस आई हूँ और उसमें चावल भरवा कर और हाथ में लेके अंदर जा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे की पूजा अपना धनतेरस का करेंगे, क्योंकि अभी मैंने जो सामान लाया सब रख कर उसके बाद थोड़ी सी तेरह दिए अंदर, 13 दिए बाहर जला कर पूजा करेंगे। तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ। देखिए, 13 दिए रखे हैं एक थाली में, एक थाली में 13 दिए। और ये झाड़ू है, तो झाड़ू की पूजा आज हम करेंगे, ताकि कल शनिवार है तो शनिवार से झाड़ू लगा सकें। और यहाँ मैं दिए की तैयारी कर रही हूँ। शाम हो गया बाज़ार से आते आते मुझे, क्योंकि पहले हम लोग बाइक लेने गए तो बाइक में ही बहुत समय लग गया। बाइक को पहले ला के रख कर फिर हम लोग सामान लेने गए थे। तो ये अभी शाम के समय की दिया बाती का समय हो गया है, तो पहले सब दिया जला कर रख कर फिर आगे हम अपना जो शॉपिंग किए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्या क्या शॉपिंग हम किए हैं, क्या लाते हैं हम। तो ये अभी मेरा दिया का चल रहा है। 13 दिया पहले बाहर सब जगह रख देते हैं, दरवाजे पर, ऊपर छत पर, ये 13 दिया किचन में, सब कमरों में, ऐसे करके पूजा घर में सब जगह लगाते हैं। और ये मेरा झाड़ू का पूजा हो रहा है, तो झाड़ू को भी लाते हैं, तो झाड़ू पर रौली और मौली बांध के पूजा करते हैं। ये झाड़ू का पूजा मेरा चल रहा है। क्या क्या लेके आई हूँ, तो ये गणेश लक्ष्मी जी लाए हैं, और फिर कुबेर जी हैं ये मेरे, और सरस्वती जी लाए हैं। तो सरस्वती जी नहीं दिखा पाए क्योंकि वो काफ़ी पैक थे। और ये मैं रंगोली बनाने के लिए इस बार लाई हूँ जाल, अगर ये परफेक्ट बन पाया तो मैं दिखाऊंगी आपको रंगोली। तो इस बार ट्राई करेंगे इसी से बनाना, क्योंकि मुझे अच्छे से बनाने नहीं आता है। और ये दिए हैं, और ये जितने भी मैं दरवाजे पर लगाने के लिए चीज़ें लाती हूँ, शुभ लाभ और स्वास्तिक और
लक्ष्मी जी के पैर, तो ये सब रिद्धि सिद्धि, तो ये सब मैं एक थाल में रख देती हूँ ताकि मैं भूलूँ ना, क्योंकि मैं रख के कई बार मैं भूल जाती हूँ लगाना ही, तो इसलिए मैं एक जगह रख दी हूँ कि सामने रहेगा तो पूजा करने के बाद मैं लगा सकूँ। तो ये मेरा सही, और मैं सिक्का भी लाई हूँ। तो धनतेरस में धनिया लेते हैं, नमक लेते हैं, झाड़ू तो लिए ही हैं। तो ये मेरा पूरा धनतेरस का शॉपिंग है। कौड़ी है, गोमती चक्र है, और बस हल्दी है, ये चंदन रोली, ये सब, और भगवान जी के सारे वस्त्र हैं, ये कान्हा जी के हैं, और ये गणेश लक्ष्मी जी के, तो गणेश जी की धोती और लक्ष्मी जी का लहंगा, और सरस्वती जी का भी लहंगा और कुबेर जी का धोती, ये सब लाए सामान। और ये चौकी पर बिछाने के लिए वस्त्र लाए हैं, ये कौड़ी और गोमती चक्र दिखा रहे हैं, धनिया रोली मोली। तो ये मेरा पूरा धनतेरस का ये मेरा शॉपिंग है इतना। तो ये तो मैं बाइक तो खरीदी है, उसके बाद मैं एक सिक्का ली हूँ, तो यही मेरा आज का शॉपिंग का है। और ये सूपा भी लेते हैं क्योंकि लक्ष्मी की प्रतीक है, तो सूपा, और ये मेज पर बिछाने के लिए। आप सभी को धनतेरस की बधाई, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।